आज हम बात करेंगे डायलिसिस मशीन के कुछ पार्ट्स के बारे में। आइए देखते हैं कि हमें डायलिसिस मशीन के पार्ट्स के बारे में ऐसा क्या है जो जानना जरूरी है। ये जो सामने आप डिटेक्टर देख रहे हैं, काफी लोग इसे एयर डिटेक्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका सही नाम लेवल डिटेक्टर है, क्योंकि यह ब्लड का लेवल चेक करता है। जैसे ही ब्लड का लेवल कम होता है, यानी चैम्बर में एयर आ जाती है, यह सेंसर डिटेक्ट कर लेता है। अब इसी डिटेक्टर के बिल्कुल ठीक नीचे एक और सेंसर है, जिसे हम ओडी यानी ऑप्टिकल डिटेक्टर बोलते हैं। काफी सारे लोग यह जानते हैं कि यह ब्लड में एयर को सेंस करता है। जैसे ही एयर यहां सेंस होती है, वैसे ही यह ब्लड ट्यूबिंग को लॉक कर देता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सेंसर ब्लड की प्रेजेंस को सेंस करता है। जब आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं और ब्लड इस सेंसर तक पहुंचता है, यह सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है एंड मशीन डायलिसिस मोड पर आ जाती है। अब बात करते हैं ब्लड लीक डिटेक्टर के बारे में। ब्लड लीक डिटेक्टर कभी भी मशीन के फ्रंट साइड में या कपलर में नहीं होता है। ब्लड लीक डिटेक्टर मशीन के अंदर डायलिसिस आउटलेट लाइन से जुड़ा होता है। जैसे ही थोड़ा सा ब्लड डायलिसिस के साथ ड्रेन की तरफ जाता है, तो यह डिटेक्टर उसे सेंस करता है एंड मशीन अलार्म करती है। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।